नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आरपीएफ रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में आप लोगों की ट्रेनिंग कहां पर होने वाली है? मोस्टली कमेंट इस बात को पर आए थे, ट्रेनिंग स्टेशन आप लोगों को कौन सा प्रोवाइड होने वाला है। मोस्टली कैंडिडेट के मन में डाउट है, जहां आप लोगों का फिजिकल हुआ है वहीं पर आप लोगों की ट्रेनिंग होगी? ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग ग्राउंड अलग होते हैं, ट्रेनिंग आप लोगों की अलग जगह प्रोवाइड होती है। तो कहां पर होने वाली है आप लोगों की ट्रेनिंग? ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई और एफ, सभी ग्रुपों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, कहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, कितने मंथ की ट्रेनिंग होगी और कितने बंदे एक ट्रेनिंग सेंटर में होंगे, तो ये सब आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग का जो लेटर है वो पहले ही प्रोवाइड हो चुका था, उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ट्रेनिंग को पर्टिकुलरली, किसकी कहाँ ट्रेनिंग होने वाली है, और वो मैं लेटर आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी उसमें ध्यान नहीं दिया। तो कम्प्लीटली ये वीडियो बनाई जा रही है ट्रेनिंग आप लोगों की कहाँ होने वाली है पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो पर्टिकुलर ग्रुप से हम बात कर लेते हैं, ग्रुप ए के बारे में पहले। तो देखिए, ग्रुप ए की बात करें तो आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है? ग्रुप ए के अंदर आप लोगों का जो है ट्रेनिंग जो है त्रिची में आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है, मुला अली में आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है। तो मुला अली या त्रिची में आप लोगों की ट्रेनिंग हो सकती है, क्या इसी में आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है, वो मैं आप लोगों को लेटर भी दिखा दूंगा जहाँ पर आप लोगों का ये लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में, ग्रुप बी में आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है? ग्रुप बी की बात करें तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होने वाली है ग्रुप बी के अंदर, जो नासिक रोड नंबर एक ट्रेनिंग सेंटर जो अलॉट हुआ है वो नासिक रोड का हुआ है, और नंबर दो जो ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है वो वलसाड का हुआ है। तो वलसाड के अंदर या फिर नासिक रोड के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है ग्रुप बी के अंदर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी के बारे में, ग्रुप सी में आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से अलॉट हुए हैं? देखिए, उसमें पहला जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आप लोगों का है कंचनपुरा, नेक्स्ट जो है आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है मोकूमत, नेक्स्ट जो है वो है खुदुकपुर और अगला है विशाखापट्टनम। तो ये आप लोगों के जो है ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुए हैं ग्रुप सी के लिए। अब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, ग्रुप डी के अंदर आप लोगों के कौन से ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुए हैं? ग्रुप डी की बात करें तो नंबर एक आप लोगों का जो है दयावस्ती लाइन जो है ट्रेनिंग सेंटर है, अगला जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है गोरखपुर आप लोगों का, और नेक्स्ट है आप लोगों का बंदीकुई, और आप लोगों का नेक्स्ट जो है सुबेदारगंज में आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है। ये चार सेंटर अलॉट हुए हैं आप लोगों की ग्रुप डी में, ग्रुप सी और ग्रुप डी में ये चार चार सेंटर हैं जिससे अलॉट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो इसलिए और पर्टिकुलर जो है कैंडिडेट के जो फिजिकल हैं वो 300 कैंडिडेट को ही बुलाया जाए एक आप लोगों के ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। अब देखिए आप लोग ग्रुप ई के अंदर ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है? ग्रुप ई के अंदर जो आप लोगों की ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है वो आप लोगों का धोमुहानी में हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की सबसे कम वैकेंसी थी। ग्रुप एफ की बात करें यानी आरपीएसएफ की बात करें, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की, तो उसके अंदर जो आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है आरपीएसएफ बटालियन में होने वाली है, एक आप लोगों की बटालियन दिल्ली में है, एक आप लोगों की बटालियन गोरखपुर में, और बाकी आप लोगों की साइबर बटालियन है जिनका आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है आरपीएसएफ के अंदर। तो उसमें भी कुछ यही प्रोसीजर है आप लोगों का ट्रेनिंग का। अब आप लोगों को लेटर दिखा देते हैं कौन सा वो लेटर है जहाँ से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों देखिए, है इनिशियल ट्रेनिंग प्लान फॉर एसआई एंड कॉन्स्टेबल, तो ये आप लोगों का ट्रेनिंग प्लान है एसआई और कॉन्स्टेबल का, जिसमें देखिए कैपेसिटी 300 कैपेसिटी लिखी हुई है, कहीं पर आप लोगों की 200 कैपेसिटी भी है, तो ये 300 ऑन एन एवरेज कैपेसिटी लिखी हुई है, और आप लोगों के यही ट्रेनिंग सेंटर हैं जो अलॉट किए गए हैं। तो इन सब से हमने ये रिकॉर्ड बनाया है कि ग्रुप ए के अंदर आप लोग कौन कौन से आते हैं, ग्रुप बी के अंदर कौन कौन से आते हैं, यहाँ से जो डाटा अलॉट किया गया आरपीएसएफ के अंदर, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये बटालियन के अकॉर्डिंग आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है आरपीएसएफ के अंदर। तो यहाँ से हमको डाटा मिला था ये आप लोगों की ट्रेनिंग सेंटर का, कि मोस्टली कमेंट आ जाते हैं जब तक आप लोगों को प्रूफ ना दिखाया जाए जब तक आप लोग विश्वास करते ही नहीं है। तो ये आप लोगों का प्रूफ था आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का इनिशियल प्लान है एसआई और कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसी कारण आप लोग एसआई की जो है ट्रेनिंग है वो भी थोड़ी सी डिले कर दी गई थी, क्योंकि आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर अलॉट नहीं हुए थे, और अब कॉन्स्टेबल की जो ट्रेनिंग है वो भी थोड़ी बहुत डिले है, क्योंकि एसआई की डिले होती है तो उसके बाद कॉन्स्टेबल की ऑटोमेटिकली डिले होने वाली है, लेकिन अलॉटमेंट हो चुका है ट्रेनिंग सेंटर का, तो बहुत जल्दी आप लोगों की जो है प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी फाइनल रिजल्ट की, जैसे आप लोगों का फिजिकल खत्म होते हैं, क्या अभी फिजिकल बाकी है आप लोगों के, तो इसलिए अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। आरपीएफ डिले नहीं कर रही है, सिर्फ आप लोगों का प्रोसेसिंग कुछ इतनी ज़्यादा लंबी है आप लोगों की, इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। तो आप लोग भी बहुत जल्द ऐसे आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट होता है उसके बाद मेडिकल की लिस्ट आ जाएगी, और आप लोग बहुत जल्द ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी आरपीएफ के अंदर। तो आप लोग अभी वेट कीजिएगा, और आप लोग अगर एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिए हैं फॉर्म भरे हैं तो उनकी तैयारी कर लीजिए, उसके ऊपर भी हम लोग बता चुके हैं किस तरीके से आप लोगों को शेड्यूल प्लान लेना है एनटीपीसी के लिए, तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए। मात्र 45 दिन शेष हैं आप लोगों के पास, तो इस जो टाइम है प्रीसीडियस टाइम है इसका इंपॉर्टेंट यूज कीजिए, और आप लोग अपनी एनटीपीसी की तैयारी करते दीजिए, कि एनटीपीसी भी आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है।
अगर आप लोग उसमें भी लगना चाहते हैं और आप लोग रेलवे पुलिस में ही अपना करियर बनाना है तो आप लोग बेशक रेलवे पुलिस को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।